कई सालों के बाद तीन दोस्तों ने मिलने का प्लान बनाया। राजीव और संजीव की शादी हो चुकी थी और लकी की शादी अभी कुछ महीनों में ही होने वाली थी, तो राजीव और संजीव अपनी पत्नियों के साथ लकी के घर जा पहुँचे, जो कि शहर से बहुत दूर था। और भाई, ये तो आखिरी बैचलर पार्टी होगी, इसके बाद तो तू भी हमारे तरह ही हो जाएगा। अरे यार, तुम लोग तो आते साथ ही मेरी टांग खींचने लगे। आराम से फ्रेश फ्रेश हो जाओ, फिर आराम से बैठकर मेरी टांग खींचना। सारे फ्रेश होकर बाहर के हॉल में बैठे हुए थे कि अचानक से बिजली चली गई। तो अनु ने कहा, चलो रिया, हम ही चल के किचन से मोमबत्ती ले आते हैं। अचानक से दोनों की जोर जोर से चीखने की आवाज आई। सारे भागते हुए किचन में घुसे तो रिया ने कहा, यहाँ पे अभी कोई चुड़ैल थी जो हमारे एकदम करीब थी। हमने जैसे ही मोमबत्ती जलाई तो उसका चेहरा बिल्कुल हमारे सामने था। उसने शादी का जोड़ा पहन रखा था और उसने मेरे कान में बच के रहने को भी कहा। तीनों लड़कों ने उन्हें समझा बुझा के शांत करवा लिया और तब तक बिजली भी वापस आ चुकी थी। और भी बेहतरीन मनोरंजन के लिए नीचे दिए गए लिंक को दबाएं और प्ले स्टोर पर जाकर हमने आपके लिए बनाई हुई रोमांचक गेम्स का आनंद लें। अनु और रिया को रूम के अंदर छोड़कर तीनों आपस में बाहर बड़ी टेंशन से बात कर रहे थे। मुझे लग रहा है कि यही वही औरत है। तू पागल है क्या यार, उससे मरे हुए 4 साल हो चुके हैं और भूत भूत कुछ नहीं होता भाई। काफी रात हो चुकी थी तो सारे सोने चले गए। अचानक से राजीव के कमरे से जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी थी। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। चारों ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की पर वो दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और जैसे दरवाजा खुला तो राजीव वहाँ मरा हुआ मिला। अनु ये देख के पागल सी हो गई। राजीव, ये क्या हो गया, ये किसने किया? उठो ना, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। रिया देखो ना, मैं तो सिर्फ थोड़ी देर तुम्हारे पास बैठने गई थी और इस बीच देखो क्या हो गया। अनु, संभालो खुद को। और इतने में ही घर के लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होने लगे थे। चारों का डर के बुरा हाल हो गया था और अचानक से लकी अपने आप हवे में उड़ने लगा और दीवार से टकरा टकरा कर उसके हाथ पैर और सर से खून टपकने लगे थे। सबने कोशिश की उसे पकड़ने की पर कोई उसे पकड़ ही नहीं पा रहा था। ये देखकर सारे बहुत डर गए थे और कुछ ही देर में लकी की भी मौत हो गई और धड़ाम से वो जमीन पर गिर गया। ये सब क्या हो रहा है? हो ना हो, हमने जिसे किचन में देखा था ये उसी का काम है। हमने कितना कहा कि वहाँ हमने चुड़ैल को देखा है पर तुम तीनों में से हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। और तभी संजीव अनु और रिया को लेकर बाहर की तरफ भागने लगा और जैसे ही अपनी गाड़ी तक पहुँचा अचानक से वो सजी तजी औरत उनके सामने आ खड़ी हुई और उसने चीखते हुए कहा, कहाँ भाग कर जा रहा है? तुझे क्या लगता है मैं तुझे छोड़ दूंगी? आज तेरी भी मौत लिखी है। मैं 4 साल से इसी पल का इंतजार कर रही थी कि कब तुम तीनों एक साथ रहो और मैं कब तुम्हें मारूं। देखो, तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं तुम्हें वो ला कर दूंगी। मेरे पति को छोड़ दो, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है, मेरी जान ली है इन लोगों ने। 4 साल पहले की बात है, मेरी शादी वाले दिन मैं सज धज के अपने कार में पार्लर से लौट रही थी। इन लोगों ने पी रखी थी और शराब के नशे में मेरी कार को टक्कर मार दी और टक्कर से मैं कार से निकलकर बाहर गिर गई थी। इन लोगों ने मुझे उठाकर वापस कार में बिठाया और मुझे उस पहाड़ी वाले चट्टान से गाड़ी समेत धक्का मार के गिरा दिया। इतना कहते ही उस चुड़ैल ने संजीव को जमीन से उठाया और ऊपर की तरफ उड़ने लगी और लगभग 40-50 फुट ऊपर लेकर उसे वहीं से छोड़ दिया और नीचे गिरते ही संजीव की भी मौत हो गई। और इस तरह से चुड़ैल ने अपना बदला उन तीनों से ले लिया। चुड़ैल बनी गुलाम। एक गांव में एक गरीब लड़की अकेली रहती थी। एक दिन
वो अपनी गरीबी से तंग आकर गांव की नदी में कूदकर अपनी जान दे देती है। उसके बाद वो चुड़ैल बन जाती है और उसी नदी में रहने लगती है। गांव वाले बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, तुमने सुना, उस गरीब लड़की ने नदी में कूद के अपनी जान दे दी। हाँ, और अब वो चुड़ैल बन चुकी होगी। मैंने सुना है कि ऐसे अगर कोई नदी में कूद के मर जाता है और चुड़ैल बन जाता है, और अगर किसी को उसका बाल मिल जाता है तो वो चुड़ैल हमेशा के लिए उसकी गुलाम बन जाती है। हाँ, तो हम उसे अपनी गुलाम बना लें क्या? लेकिन क्या ये सही रहेगा अगर उसने हमें कुछ कर दिया तो? अरे कुछ नहीं होगा, हम सब साथ में जाएंगे तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अरे डरो मत, सोचो चुड़ैल हमारी गुलाम कैसे बनेगी। अगली सुबह वो चारों गांव वाले नदी की तरफ निकलते हैं, नदी के पास पहुंचते हैं और नदी में कूद जाते हैं। चुड़ैल गहरे पानी में बैठी होती है और वो चारों तैरते हुए वहां पहुंचते हैं। क्या हुआ, क्यों आए हो तुम यहाँ? हम तुम्हें यहाँ अपना गुलाम बनाने के लिए आए हैं। इतना आसान नहीं है मुझे गुलाम बनाना। वो गांव वाला चुड़ैल को अपनी बातों में उलझाए रखता है। तभी दूसरा गांव वाला पीछे से जाकर उसके बाल खींचता है। उसके हाथ में चुड़ैल के कुछ बाल आ जाते हैं। ए चुड़ैल, देख, मैंने तुम्हारे सारे बाल निकाल लिए, अब तुम हमारी गुलाम बन गई। चुड़ैल जल्दी से पीछे मुड़ जाती है और उस गांव वाले को पानी में धक्का दे देती है। तभी उसके हाथ से वो बाल छूट जाते हैं और चुड़ैल उन्हें फिर से पकड़ लेती है। मुझे गुलाम बनाने आए थे, इतना भी नहीं पता कि अगर मेरे ही बाल मेरे हाथ में आ गए तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। और भी बेहतरीन मनोरंजन के लिए नीचे दिए गए लिंक को दबाएं और प्ले स्टोर पर जाकर हमने आपके लिए बनाई हुई रोमांचक गेम्स का आनंद ले। हमें छोड़ दो, हम पे रहम करो, हमें छोड़ दो। नहीं, तुम खुद मेरे पास चल के आए थे, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर चुड़ैल उन चारों को मार देती है। ये बात गांव में फैलने लगती है कि चुड़ैल सबको नदी में डुबा देती है। तब से डर के मारे सब लोग नदी के करीब जाने से डरने लगते हैं। ये देखकर सरपंच बहुत परेशान होते हैं। क्या हुआ सरपंच जी, आज बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ राजेश बेटा, मैं उस नदी को लेके बहुत परेशान हूँ। जब ये बात फैली है कि नदी में चुड़ैल रहती है तो नदी के पास कोई भी नहीं जाता, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? हमारे गांव के सभी लोग उसी नदी का पानी पीते हैं। अगर उस नदी पे जाना बंद कर देंगे तो पानी की समस्या कैसे हल करेंगे? मैं यही सोच रहा था कि उस चुड़ैल को कैसे पकड़ा जाए। मैं जाऊंगा उस चुड़ैल को पकड़ने के लिए। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, हमेशा सबकी मदद करते हो, लेकिन ये जोखिम भरा काम है, जान भी जा सकती है। कहते हैं कि उस चुड़ैल के बाल हमें मिल गए तो वो हमारी गुलाम बन जाती है, लेकिन अगर वो बाल उसने हमसे छीन लिए तो वो हमें मार भी सकती है। पता है सरपंच जी, लेकिन किसी को तो ये करना ही होगा। हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। मैं कल ही जाके देखता हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए, सिर्फ एक काम कीजिए, जब मैं नदी के पास जाऊँ आप एक मांत्रिक को बुलाकर पास ही एक चिता बनाने के लिए कहिए। ठीक है, तुम तो होशियार हो, जरूर कुछ सोच के ही बोल रहे होगे। मैं सब इंतजाम कर दूंगा, लेकिन हाँ, तुम अपना ध्यान रखना। अगली सुबह राजेश धीरे से नदी के पानी में उतरता है और धीरे धीरे तैर कर जहाँ चुड़ैल बैठी होती है वहाँ जाता है। चुड़ैल के पीछे से जाकर कैंची से उसके बाल काट देता है। चुड़ैल को पता चलता है। कौन हो तुम और क्यों आए हो यहाँ? लेकिन राजेश रुकता नहीं है और जल्दी तैर कर नदी के बाहर आ जाता है। वहीं पर एक गड्ढा खोदकर उसमें चुड़ैल के बाल छुपा देता है। वो चुड़ैल राजेश की गुलाम बन जाती है और नदी के बाहर आती है। बोलो राजेश, अब मैं तुम्हारी गुलाम बन चुकी हूँ, आज से जो तुम कहोगे वो ही मैं करूँगी। ठीक है, वो सामने देखो, वहाँ पर एक चिता है, उस पर जाकर लेट जाओ। ठीक है। फिर चुड़ैल जाकर उस चिता पर लेट जाती है और मांत्रिक चिता जला देता है। इस तरह चुड़ैल मुक्त हो जाती है और गांव वाले लोग फिर से नदी इस्तेमाल करने लगते हैं।